इसरो के मिशन सूर्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल यानी 2 सितंबर को भारत एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो अब 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। आदित्य L1 को लॉन्च करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और तय समय पर ही आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसरो की तरफ से मिशन आदित्य L1 को लेकर तस्वीरें भी जारी की गई है। तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिशन सूरज आदित्य L1 लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है और जिस तरीके से चंद्रयान 3 को सफलता मिली है उसके बाद वैज्ञानिकों के हौसले भी बुलंद है। कल सुबह आदित्य L1 मिशन लॉन्च होगा, सुबह 11:50 पर ये लॉन्च होगा और भारत एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखेगा। तो अब चांद की सतह के बाद साउथ पोल के बाद सूरज की तरफ बढ़ने का रुख है कल, क्योंकि ये इसकी काफी समय से तैयारी हो रही थी, लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्पेस इंडिया के योगेश कुमार जोशी ने बताया है कि मिशन सूरज को पढ़ने का मिशन है। आदित्य मिशन जो शुरू में केवल धरती के आसपास घूमकर सूरज को स्टडी करने वाला था, किंतु इसरो ने सोचा कि ठीक है, इफ वी हैव टेक्नोलॉजी हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए और बेस्ट पॉइंट से सूरज को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस केस में मिशन का नाम बदला गया आदित्य, साथ में जोड़ा गया L1 और L1 का मतलब है ऐसा पॉइंट जहां से सूरज को ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो दर्शकों के लिए हमारे पास तस्वीरें भी हैं। ये एक तस्वीर नजर आ रही है, आदित्य L1 मिशन की तस्वीर है। L1 क्यों और क्या है, अगर आप समझा पाए? तो मैम L1, जैसे L जो शब्द है वो लैग्रैंज पॉइंट के लिए बोला जाता है। तो अगर मैं बात करता हूँ सूर्य और धरती, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रेविटी दोनों बॉडीज की एकदम बैलेंस हो जाए, हमारा स्पेसक्राफ्ट मिनिमम फ्यूल के साथ एक स्टेबल ऑर्बिट में रह पाए और बिना किसी रुकावट के, बिना कोई चीज सामने आए, आराम से सूरज को देख सके, वो पॉइंट है आपका L1। तो आप देखेंगे सूर्य एकदम बीच में है, ये धरती का ऑर्बिट है जिसमें आपकी धरती घूमती है। इसके साथ इन दोनों के बीच में धरती से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट है L1, लैग्रेंज पॉइंट। इस सिस्टम में कुल 5 पॉइंट होते हैं। हमने L1 को चुना है क्योंकि वो बिल्कुल धरती और सूरज के बीच में है और बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई चीज बीच में आए, हमें कंटीन्यूअस कवरेज दे सकता है सन का। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके के एक्लिप्स की बात करें या कुछ और ऑब्स्टिकल नहीं आएगा अगर हम इस पॉइंट पर रहेंगे। ये तस्वीर जरा अगर आप देखें, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है कि ये पूरा अर्थ का ऑर्बिट है, यहाँ अर्थ है, यहाँ पर सन है और ये बीच का पॉइंट है, अर्थ और सन के बीच का ऐसा पॉइंट जहां से सीधा सन को ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन सन की जब हम बात करते हैं योगेश, तो क्या किस तरीके का है सन, कैसा है? जैसे हम देखते हैं एक ऑरेंज कलर का गोला जो हमें नजर आता है, वैसा शांत है? तो मैम सूरज की हम बात करते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं पुराने समय से, जब हम सूरज को भगवान की तरह पूजा करते थे, बिकॉज धरती पे जो लाइफ है वो सूरज की वजह से ही पॉसिबल है। जब तक हमारे पास टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेटरीज नहीं थी तब तक हम समझते थे सूरज एक ऑरेंज बॉल की तरह आपको नजर आता है, किंतु जब हमारे पास ऑब्जर्वेटरीज आई, हमने सन को स्टडी करना शुरू किया, तो हमें ये समझ आया सन एक स्टेबल बॉडी नहीं, एक स्टैटिक नहीं, इट्स अ वेरी डायनामिक बॉडी जहां पे हर सेकेंड तूफान आ रहे हैं। किस चीज के तूफान? गैस के तूफान। सो सूरज बना हुआ है आपका प्लाज्मा से, जो बहुत ही ज्यादा हॉट आयनाइज गैस है। अब अगर आप उसका, सूरज का अगर आप एक पिक्चर देखते हैं, तो हम जो देखते हैं वो हमें दिखता है एक ऑरेंज कलर का गोला, लेकिन आप अगर सूरज के बिल्कुल पास जाते हैं तो आपको समझ आएगा कि वहां पे हर सेकेंड मिलियंस ऑफ फ्यूजन हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर जा रही है और उसका जो प्लाज्मा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, हर सेकंड में वहां से लाखों पार्टिकल इजेक्ट हो रहे हैं। तो इसरो के मिशन सूर्य की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसरो ने मिशन को लॉन्च करने की सभी तैयारी पूरी कर ली है। मिशन सूर्य को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल होगा, एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए, इसरो का मिशन सूर्य है, लॉन्चिंग में PSLV-XL रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यह खास रॉकेट है जो L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। कल सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से यह लॉन्चिंग होगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इंतजार कल सुबह 11:50 का है। धरती और सूरज के बीच की 1% दूरी यह तय करेगा। यह सबसे जरूरी पॉइंट है कि इसका काम क्या होगा और सूरज में जिस तरीके से प्लाज्मा है उसके बाद कई सारी जानकारियां पहुंचेगी। 127 दिन बाद सूर्य के L1 पॉइंट तक यह पहुंचेगा, यानी कि कल लॉन्चिंग होगी, इंतजार करना होगा 127 दिनों का, उसके बाद L1 पॉइंट।
L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि L1 पॉइंट से जो सूरज है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। अब L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद डेटा भेजना ये शुरू कर देगा रॉकेट, ये सबसे अहम होगा।